2000 को मेरे शादी संगीता भारती रायपुर निवासी के साथ हुई थी। तो 4 साल के बाद उनका व्यवहार में बदलाव आया। आए दिन मारपीट करना, बच्चों को खाना नहीं देना, बच्चों के साथ मारपीट करना। मेरी माँ 90 साल के, उसको मारपीट करके घर से निकाल दी। उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया। इन तमाम मामला चलता रहा। चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लगातार पद में रहा हूँ। 2007-08 में आयोग के सदस्य रहा, 8 से 13 डोंगरगढ़ का विधायक रहा। उसके बाद 2 टर्म मैं अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष रहा। चूंकि सामाजिक प्रतिष्ठा है, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए सहते रहा। अब उसके लगातार उसकी व्यवहार में बदलाव नहीं आया, और लगातार कृत्यपूर्ण व्यवहार, खाना नहीं बनाना, खाना बनाने वाले को मारपीट करना, बच्चों के साथ जो हाथ में है उसे फेंक के मार देना। इन तमाम चीज़ का जब बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो मैं 16 दिसंबर 2020 को माननीय कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया हूँ, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने महिला आयोग, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सखी सेंटर, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, पुलिस अधीक्षक रायपुर, DGP, IG, इनकम टैक्स, तमाम जगह उन्होंने शिकायत किया, जो झूठा और मनगढ़ंत शिकायत पाया गया, जिससे क्षुब्ध होकर वो रायपुर में 6 जून को पत्रकार वार्ता ली। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे घर से मारपीट करके, गाली गलौज करके घर से निकाल दिए हैं। उससे पूर्व भी एक और पत्रकार वार्ता ली थी, जिसमें उन्होंने गंदी औरत बोल के मुझे घर से निकाल दिए हैं। अब वो सारे दरवाजा उनका बंद हो रहा है। तो अब डोंगरगढ़ में 30 जून को आके उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे महिला से मेरे पति का अवैध संबंध है, मेरे पॉलिसी के राशि उन्होंने निकाल ली है, मेरे स्वामित्व के मकान को उन्होंने बेच दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई, जो LIC की पॉलिसी है, उसका प्रीमियम राशि मेरे द्वारा जमा की गई। उन्होंने सरेंडर करने के लिए आवेदन लगाया, सरेंडर की राशि जो है संयुक्त ज्वाइंट अकाउंट में आया, तो क्षुब्ध होकर वो मुझे अनर्गल प्रचार कर रही है। स्वामित्व की मकान है, उसको मेरे द्वारा खरीदा गया है, चूंकि संयुक्त परिवार में रहते थे, पत्नी है, इसलिए उनके नाम से खरीदा गया और उनके सहमति से उनको बिक्री किया गया। उनकी इकरारनामा हुआ था, जिसे सामने वाले ने नोटिस दिया, उसका पुलिस में उन्होंने शिकायत की थी, उसकी भी जांच हुई, उसमें भी असत्य और मनगढ़ंत पाया गया। दूसरे सही महिला के साथ मामला उनका मेरे साथ घरेलू हिंसा का है। वो मेरे साथ मारपीट भी करते थे, वही महिला को लेकर जिनके साथ मैंने चैटिंग देखा था उनका, उनको लेकर वो मुझे मारते पीटते थे और मेरे साथ मुझे प्रताड़ित भी करते थे। और क्या क्या हुआ है आपके साथ? बस वो बात को लेकर और घरेलू छोटी मोटी बातों को लेकर, पैसे पैसे की बात को लेकर भी वो मेरे साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर, बच्चों को तुम खाना नहीं देती हो, घर में खाना नहीं बनाती हो, ये छोटी छोटी बातें को लेकर वो हमेशा मेरे साथ झगड़ा झंझट करते थे। फर्जी हस्ताक्षर का कुछ किया गया है क्या आपका प्रॉपर्टी वोटी के साथ उनके द्वारा? फर्जी हस्ताक्षर का तो उन्होंने फर्जी सब काम कराया है, फर्जी तरीके से। क्या क्या काम करवाया है? फर्जी LIC का काम कराया है और फर्जी तरीके से, एक प्रॉपर्टी है राजनांदगांव में मेरे नाम का मकान है, उसको उन्होंने फर्जी तरीके से बेचने का प्रयास किया है, रजिस्ट्री करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया है। मैंने उसमें साइन नहीं किया तो नहीं हो पाया है। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से ये चाहती हूँ कि, और मीडिया से यह अनुरोध करती हूँ कि मुझे कानूनी रूप से न्याय दिलाया जाए। आप लोग मेरे सहयोग किए करें उसमें। फर्जी LIC का वो निकाल सरेंडर करवा लिए, मेरे नाम की जो LIC थी उसको अपने उन्होंने अपने सरेंडर कर लिए आपके बिना जानकारी के? उन्होंने फर्जी सही सिग्नेचर का, और मेरा सिग्नेचर नहीं है। जैसे कि बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी है, हाँ। उनमें भी अपना इकरारनामा करवा लिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।